मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। अब आते हैं इस बात की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात तरावी पढ़ी, फिर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कितनी तरावी की रकात पढ़ी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन, कि आप रमज़ान में 20 रकात पढ़ा करते थे। इसी तरह फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की अगर बात करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में लोग मुतफर्रिक़ तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे, यानी किसी ने तरावी की जमात घर में करवा ली, किसी ने अलग पढ़ ली, किसी ने मस्जिद में पढ़ ली, इस तरह एक मुतफर्रिक तरीके से पढ़ी जाती थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाए मस्जिद में और आपने देखा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जमातों में तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे सबको जमा कर दिया कि आप इनको नमाज पढ़ाएं। हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन उमर इब्न अल खत्ताब अमर उबई इब्न काब अन युसल्ली बिललैल फी रमज़ान फसल्ला बिहिम 20 रकअतन, कि हज़रत उमर ने उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि आप नमाज़ पढ़ाएं, तो उन्होंने 20 रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा, अब देखें एक बुनियादी बात ये समझें कि शरीयत के चार उसूल हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। तरावी की 20 रकात का सबूत जहाँ मरफू रिवायात तो इस पर बहुत कम है, मरफू रिवायात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त कोई इरशाद तो इस पर मौजूद नहीं है कि तरावी की इतनी रकात हैं, लेकिन हज़रात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अमल, और सिर्फ अमल नहीं इजमा मौजूद है। फिर अहादीस मौजूद हैं जैसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उन्हों की रिवायत मैंने जिक्र की, उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला उन्हों की रिवायत जिक्र की। अब बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये अहादीस ज़ईफ़ हैं। उसूल हदीस का एक बुनियादी ज़ाबता है और कायदा है कि तलक्की बिलकबूल से ज़ईफ़ हदीस भी सही के दर्जे तक पहुँच जाती है, ये मुहद्दिसीन का उसूल है कि अगर एक हदीस ज़ईफ़ है लेकिन पूरी उम्मत उस पर अमल कर रही है तो फ़ी नफ़्सी ही टेक्निकली उस हदीस को ज़ईफ़ तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो उसूल बताए गए हैं कि रावी को ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस एतबार से तो वो ज़ईफ़ है, लेकिन जिस तरह उम्मत ने इसको शुरू से कबूल किया है इसका मतलब अमलन ये चीज़ अब ज़ईफ़ नहीं रही, ये सही हो चुकी है। दूसरी बात, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम को इस अमल पर जमा किया। ये जो तरावी की जो रिवायत हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आपने नमाज पढ़ाई लोगों को, तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल सन 58 हिजरी में हुआ है और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह काम सन 15 हिजरी में किया। तमाम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, बड़े बड़े मुहद्दिस, फ़कीह, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा मौजूद थे, किसी ने हज़रत उमर के इस अमल पर नकीर नहीं की कि भाई तुमने ये काम क्यों किया जो हुजूर ने नहीं किया था। देखें हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की इत्तिबा भी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की इत्तिबा भी लाजिम है। हज़रात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में ये उसूल तय शुदा है कि जब कोई सहाबी कोई काम करता है, कोई ऐसा काम जिसकी बज़ाहिर हमें कोई दलील नज़र नहीं आ रही लेकिन एक सहाबी उसका इनिशिएटिव लेता है, फिर बिलखसूस खुलफाए राशिदीन में से, तो यकीनन उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई रिवायत, कोई हदीस, कोई इशारा, कोई हिदायत मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं, अपनी तरफ से तो वो नहीं कर सकते। फिर खुलफाए राशिदीन के बारे में तो ये सवाल नहीं पैदा हो सकता। तो हज़रात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से किसी का इस पर नकीर करना साबित नहीं कि किसी ने कहा हो कि तुमने 20 रकात तरावी क्यों पढ़ाना शुरू कर दी या इस तरीके से तुमने पढ़ाना क्यों शुरू कर दी। लिहाजा गोया इस पर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का इजमा हो गया। जो हमारे पास तीसरी दलील है ना, तीसरा उसूल है कुरान, हदीस और इजमा, तो गोया इजमा उम्मत से ये बात साबित है कि तरावी की तादाद रकात वो 20 है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से भी मालूम हो गया, फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से भी मालूम होता है, और उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालिहीन हमेशा से 20 रकात तरावी पढ़ते आए हैं।